मॉर्निंग चिल्ड्रेन चिल्ड्रेन टुडे वी विल रीड 12th चैप्टर ऑफ योर साइंस बुक दैट इज़ वाटर। आज इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे वाटर, यूजेज ऑफ वाटर, वाटर का यूज़ क्या है, सोर्सेज ऑफ वाटर, वाटर का सोर्सेज क्या क्या है, हम लोगों को वाटर कहाँ कहाँ से मिलता है और हाउ टू सेव वाटर, और हम लोग वाटर को कैसे सेव रख सकते हैं, क्या है वेज जिससे हम लोग वाटर सेव रखते हैं और क्यों रखना चाहिए हम लोगों को वाटर को सेव सुरक्षित। आज हम लोग ये सारी चीज़ों को इस चैप्टर में जानेंगे। बट बिफोर वी स्टार्ट द चैप्टर हेयर इज आर लिटिल एक्टिविटी फॉर यू। यहाँ पर आपके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी है। आपको क्या करना है, इस पिक्चर को क्रेयॉन्स कलर या पेंसिल कलर का यूज़ करके आपको इस पिक्चर को कलर करना है एंड उसके नीचे उस ब्लैंक्स दिया हुआ है। इस ब्लैंक्स में बच्चों आपको यहाँ पर जो जो चीज़ें इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रही हैं उन चीज़ों का नाम लिखना। सबसे पहले तो आपको इसको कलर करना, उसके बाद ही ब्लैंक्स में आपको क्या चीज़ें दिख रही है, कौन कौन से थिंग्स इसमें दिख रहे हैं। सबसे पहले आपको वाटर दिख रहा है, आप वाटर लिखोगे, एक मैन है, एनिमल है, प्लांट्स है, ये सारी चीज़ों का नाम आपको यहाँ पर नीचे लिख देना। ओके, नाउ कम टू द चैप्टर। बच्चों आपको पता है वाटर हमारी पृथ्वी पर ही सिर्फ है, जैसे कि ये आपका सोलर सिस्टम है, ठीक है, सोलर सिस्टम, ये सन है आपका, उसके बाद ये आपके प्लैनेट्स हैं सारे, ठीक है। तो ये प्लैनेट्स जो है बच्चों आपको दिख रहा है आपका अर्थ हमारा कहाँ पर है, थर्ड है ना, हमारा अर्थ जो है वो थर्ड प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। तो सिर्फ अर्थ पर ही लाइफ पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है, बिकॉज ऑफ वाटर, सिर्फ पानी की वजह से। और भी किसी प्लैनेट्स पे कोई भी वाटर किसी पर भी नहीं पाया जाता है, वाटर सिर्फ कहाँ पाया जाता है, अर्थ। तो जस्ट बिकॉज ऑफ वाटर लाइफ इज पॉसिबल ऑन द अर्थ, पानी की वजह से ही जीवन जो है संभव हो पाया है अर्थ पर। देखो हमारा अर्थ कैसा आपको दिख रहा है, ये जो आपको ब्लू कलर नीले कलर का सारा दिख रहा है अर्थ पर, ये सारा का सारा वाटर है। हमारी अर्थ का 71% मतलब ज़्यादा, आधे से भी ज़्यादा भाग, आधे से बहुत ज़्यादा भाग क्या है, वाटर है। और ये जो आपको ग्रीन वाला दिख रहा है ना, ये सारे मैदान हैं, इन मैदान है, ये प्लेन जगह है जहाँ पर लोग रहते हैं, ठीक है। तो इतना सारा वाटर है जगहों पर, क्या है स्टूडेंट्स, वाटर है और इतने कम जगहों पर लोग रहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं वाटर है कितना है। ये जो पूरा मतलब वाटर है अर्थ पर, उसका 97% क्या सलाइन वाटर है ना, नमक वाला पानी है जिसको हम लोग पी नहीं सकते हैं। जिसको पिएंगे तो ज़्यादा नमक वाला पानी पिएंगे तो हमारे क्या होगा, लंग्स जो है वो गल जाएंगे, हमारा डेथ हो सकता है, ठीक है। तो सिर्फ 3% पानी जो है वो हमारा वो पीने लायक है, ग्राउंड वाटर है। तो ये वाटर जो है आता कहाँ से है, ठीक है। तो लेट्स रीड अबाउट दिस, ठीक है, क्या लिखा है, वी नीड वाटर टू लिव, वी ऑल नो इट वेरी वेल कि हम लोग को पानी जो चाहिए वो जिंदा रहने के लिए चाहिए, हम लोग को ज़रूरत होती है पानी की जिंदा रहने के लिए। इफ़ वी डू नॉट ड्रिंक इनफ वाटर, अगर हम लोग सही मात्रा में पानी नहीं पियेंगे, वी फील वीक, हम लोग कमज़ोर महसूस करेंगे। ऑल लिविंग बींग्स रिक्वायर वाटर टू लिव, और जितनी भी लिविंग बींग्स है, जितनी भी लिविंग बींग्स, जितने भी जीव जंतु अर्थ पर रहते हैं, एनिमल्स है, प्लांट्स है, ह्यूमन बींग्स है, वाटर एनिमल्स है, बर्ड्स है, सारे जितने भी में है, ठीक है, सबको वाटर चाहिए होता है जिंदा रहने के लिए। प्लांट्स नीड वाटर टू प्रिपेयर फूड, और प्लांट्स को भी वाटर चाहिए होता है अपना खाना तैयार करने के लिए। विदाउट वाटर प्लांट्स डाई, और बिना प्लांट्स वाटर के प्लांट्स जो है वो क्या होंगे, वो मर जाएंगे। और जब प्लांट्स ही नहीं होंगे तो फिर हम लोग हमारा फूड कहाँ से आएगा, वेजिटेबल, फ्रूट्स, मेडिसिन, फर्नीचर के लिए जो वुड हम लोग को मिलता है वो सब कहाँ से मिलता है, प्लांट्स से ही मिलता है। और जब प्लांट्स ही ज़िंदा नहीं बचेंगे तो हम लोग को ये सारी चीज़ें मिल पाएंगी, नहीं मिल पाएंगी, तो हमारा लाइफ पॉसिबल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो वाटर बहुत ज़रूरी है हमारे ज़िंदा रहने के लिए, ठीक है। सोर्सेज ऑफ वाटर, वाटर हम लोग को कहाँ से मिलता है, रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर,
पानी का सबसे मेन सोर्स, सब जगह जो पानी होता है रिवर में, ओशन में, पॉन्ड में, लेक में, हमारे टैप में, सब जगह पानी कहाँ से आता है? रेन से आता है। अदर सोर्सेज ऑफ वाटर और रिवर, लेक्स और रेन जो है वो सबसे मेन सोर्स है। सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर हम लोग को रेन से ही मिलता है। और दूसरा सोर्स क्या है पानी का? रिवर्स है, लेक्स है, वेल है, यहाँ से भी हम लोग को जो पानी रहता है वो मिलता है। वी गेट वाटर थ्रू टैप्स एट आवर होम्स, और हम लोग अपने घर पर वाटर कहाँ से मिलता है हम लोग को? टैप से मिलता है, नल से मिलता है। देखो ये सारे सोर्सेज ऑफ वाटर है, रेन है, टैप है, रिवर है, वेल है, यहाँ से हम लोग को पानी मिलता है। रिवर विलेज के लोग जो होते हैं वो रिवर से वाटर लेते हैं, वहाँ से कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए वहाँ से लेते हैं। हम लोग अपने घर में टैप का यूज़ करते हैं, और भी बहुत सारे जगह लोग क्या करते हैं, वेल का, कुओं का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये इतनी सारी जगहों में पानी आता कहाँ से है? ये सारे जगह रेन से वाटर आता है। तो ये रेन जो है, जो बादल से पानी हम लोग को मिलता है, वो क्लॉट कहाँ से आता है? वो क्लॉट कैसे आता है? वो आता है वाटर साइकिल। देखो वाटर साइकिल होता क्या है, जैसे कि रिवर का पानी है, तो ये सन क्या करता है? सन हमारी पृथ्वी को, अर्थ को इतना गर्म करता है कि इसमें जितनी भी वाटर है, जितनी भी वाटर बॉडीज़ है, वो चाहे वो ओशन हो, सी है, पॉन्ड है, रिवर है, सब उसकी सन के गर्मी से, हीट से वो पानी जो क्या होता है, भाप बनने लगता है। और भाप बनते बनते ये क्या होता है, हवा में मिक्स होते होते ऊपर हो जाता है। और जैसे जैसे ये वाटर एवोपरेट होकर के ऊपर जाता है, इनका टेम्परेचर कम होते जाता है, ये ठंडा होते जाता है। जैसे कि आप कभी नोटिस किया होगा, आपके घर में जब किसी बॉल पर पानी बॉयल होता है, किसी कटोरे में या बर्तन में, यूटेंसिल में पानी जब मम्मा बॉयल करने के लिए रखती हैं, तो वो उसमें से भाप निकलता है ना, आप लोगों ने देखा होगा। तो वो भाप आप खीर जाता कहाँ है? वो कहाँ जाता है? वो एयर में मिक्स होकर के ऊपर उठते चला जाता है। और जैसे जैसे ये वाटर वेपर ऊपर जाता है, उसका टेम्परेचर जो है, तापमान जो है, वो ठंडा होते जाता, और सब जगह, सब एक जगह जा कर के आपस में जुड़ना स्टार्ट कर देते हैं, और पानी की छोटी छोटी बूंद बन जाते हैं। ठीक है, जिसको आप लोग ऊपर देखते हैं ना वाटर वेपर को, क्लॉट, वाइट वाइट, वो क्लॉट क्या होता है? वो वाटर वेपर ही होता है। और जब ये ज़्यादा हो जाता है तब क्या होता है, देखो सूरज से ये कंडेंस हो रहा है, आप पिक्चर में जैसे देख रहे हो, फिर क्लॉड बन रहा है। और जैसे ही क्लॉड में ज़्यादा वाटर वेपर आ जाता है, पानी के ड्रॉपलेट्स जो है वो धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं आपस में जुड़ करके, तब ये है खुद का जो बोझ होता है ना, लोड, वो संभाल नहीं पाते और वापस से अर्थ पर गिरने लगते। जैसे कि आप किसी बैग में, थैले में अगर ज़्यादा सामान को भर देते हैं, तो उस क्या हो जाता है, वो थैला फट जाता है, टूट जाता है ना, उसमें ज़्यादा सामान नहीं आ पाता। उसी तरह से क्लॉड में भी होता है कि ज़्यादा जब वाटर ड्रॉपलेट्स इकट्ठा हो जाते हैं, तब ये अपना भार नहीं संभाल पाते हैं, और फिर इसमें से वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो पृथ्वी पर वापस आने लगते हैं। और फिर यही वाटर जो है फिर वापस से माउंटेन से होते हुए, ज़मीन के अंदर से होते हुए, ग्राउंड वाटर में जाते और साफ पानी बन जाता है। कुछ उसमें से जो पानी रहता है वो रिवर में जाता है, ओशन में जाता है, लेक में वापस से फिल हो जाता है, और फिर सन इसको एवापरेट करते रहती है, भाप बनाते रहती है, फिर क्लॉट फॉर्म होते रहता है। इसी तरह से कंटिन्यू वाटर साइकिल चलते रहता है, और हम लोग को वाटर जो है वो मिलते रहता है। सोचो कितना इंपॉर्टेंट है वाटर साइकिल। अगर ये प्रोसेस जो है वो रुक गया, तो हम लोग को वाटर मिलेगा ही नहीं, क्लॉट फॉर्म नहीं होगा तो रेन नहीं होगा, और रेन बारिश नहीं होगी तो बारिश का पानी रिवर में, लेक में, टैप में, हमारे टैप में कहीं नहीं आएगा। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वाटर साइकिल की वजह से ही हम लोग को वाटर मिलता है। ठीक है, अब इतनी मुश्किल से हम लोग को वाटर मिलता है, नेचर में इतना प्रोसेस कंटिन्यू काम होते रहता है, तो हम लोग भी तो इस वाटर का यूज़ करते हैं ना, काम करते रहते हैं। तो देखते हैं हम लोग यूजेज ऑफ वाटर। बहुत सारे कामों के लिए वी नीड वाटर टू डू मेनी थिंग्स। बहुत सारे काम करने के लिए हम लोग को वाटर की ज़रूरत होती है। जैसे हम लोग सुबह उठते हैं, उठते के साथ अब क्या करते हो, ब्रश करते हो, फिर
वॉशरूम जाते हो, फिर बाथ लेते हो, फिर आप ब्रेकफास्ट करते हो, फिर स्कूल के लिए रेडी होते हो, है ना। तो सारे काम के लिए आपको वाटर की ज़रूरत होती है, ठीक है। फिर आपको स्कूल रेडी होते हो, जो यूनिफॉर्म पहनते हो, तो वो कपड़े जो यूनिफॉर्म जो आपके साफ हुए हैं, धुले हैं, वो किससे धुले हैं, वाटर से ही धुले हैं ना। तो हमको बहुत सारे कामों में वाटर की ज़रूरत होती है। हम लोग को वाटर की ज़रूरत ड्रिंक करने में, वी नीड वाटर टू ड्रिंक, वी नीड वाटर टू कुक फूड। मम्मा जो आपके लिए खाना बनाती है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, हर चीज़ में वाटर की ज़रूरत होती है। आप बात करते हो, नहाते हो, उसमें भी वाटर की ज़रूरत होती है। आप अपने व्हीकल्स में, घर में आपके जो भी व्हीकल्स होंगे, साइकिल है या बाइक है पापा का, या फिर कार है, तो वो सबको धोने के लिए, वॉश करने के लिए हमको किसकी ज़रूरत होती है, वाटर की ज़रूरत होती है। वी नीड वाटर टू ग्रो प्लांट्स, हम लोग को प्लांट्स उगाने के लिए भी वाटर की ज़रूरत होती है। वी नीड वाटर टू वॉश क्लॉथ्स, और जो हम लोग कपड़े पहनते हैं वो साफ कैसे होते हैं, वाटर से ही धो करके ना साफ होते हैं। तो हम लोग को सारे काम में, ऑलमोस्ट हम लोग दिन भर में जितने काम करते हैं, सब में हम लोग को वाटर की ज़रूरत होती है। जब हम लोग खेलते खेलते थक जाते हैं, तब हम लोग को प्यास लगती है, तो ड्रिंक करने के लिए भी हम लोग को वाटर की ज़रूरत होती है। ऑलमोस्ट होल ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज़ मेड अप ऑफ वाटर। अच्छा, हमारा शरीर भी जो है ना, वो हमारा ज़्यादातर हिस्सा जो है वो वाटर से ही बना है। सो वी शुड ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर टू स्टे फिट एंड हेल्दी। इसलिए कहते हैं कि हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है वो पीना चाहिए, हेल्दी और फिट रहने के लिए, स्वस्थ और फिट रहने के लिए। अब इतने सारे काम में हम लोग का वाटर जो है इम्पॉर्टेंट है ना। देखा आप लोगों ने कि कैसे हमारे जीवन के लिए वाटर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट थिंग्स है। तो हम लोग को अब हमारी ड्यूटी भी बनती है ना कि हम लोग इस वाटर को सेव करें, क्योंकि आपको तो मैंने शुरू में ही बताया कि पृथ्वी पर पानी जो है, पीने वाला पानी जो है, फ्रेश वाटर जो है, वो बहुत ही कम है। बाकी का पानी क्या है, सलाइन वाटर है ना, नमक वाला पानी, उसको हम लोग पी नहीं सकते। तो हम लोग इतना कम पानी है, तो उसको तो सेव करना तो ज़रूरी है हम लोग को। तो इसलिए हम लोग को वाटर को कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। जैसे कि ब्रश करने टाइम किसी किसी बच्चों की आदत होती है कि जब तक ब्रश कर रहे हैं तब तक क्या करते हैं, टैप को ऑन रखते हैं। तो जब आपको यूज़ करना हो टैप, तभी आप उसको ऑन करो, और जब यूज़ नहीं कर रहे हो तब तक उसको ऑफ रखना चाहिए, ठीक है। वी शुड नॉट फॉरगेट टू क्लोज द टैप इमिडिएटली आफ्टर यूज़, और इस्तेमाल के तुरंत बाद हम लोग को टैप जो है वो ऑफ करना नहीं भूलना चाहिए। वी शुड यूज़ अ बकेट एंड अ मग टू वॉश द कार। अच्छा, लोग क्या करते हैं, वाटर पाइप का यूज़ करते हैं ना वाटर कार को वॉश करने के लिए, तो हम लोग को वो नहीं करना चाहिए। हम लोग को किसका यूज़ करना चाहिए, वाटर बकेट का और मग का, जिससे हम लोग का कम से कम वाटर में हमारी कार जो है, ये व्हीकल्स जो भी है, साइकिल है या बाइक है, वो साफ हो जाए, अच्छे से वॉश हो जाए, ठीक है। वी शुड कलेक्ट रेन वाटर व्हेन इट रेन्स एंड स्टोर इट। अच्छा, रेन जब बारिश होती है तो रेन का वाटर एकदम फ्रेश वाटर होता है, प्योरेस्ट फॉर्म होता है रेन वाटर, तो उसको क्या करना चाहिए, हम लोग को स्टोर करना चाहिए वाटर को, ठीक है। और वी शुड नॉट थ्रो वेस्ट इनटू रिवर्स, पॉन्ड्स एंड वेल्स। और वाटर बॉडीज़ जो होती हैं, जहाँ पानी रहता है, जैसे कि रिवर है, पॉन्ड है, वेल है, इन सारे जगहों पर हम लोग को कोई भी वेस्ट, गंदी चीज़ों को नहीं फेंकना चाहिए। वाटर रिवर साफ रहेगा, वेल का वाटर साफ रहेगा, तो हम लोग उसको ड्रिंक भी कर सकते हैं। अगर उसको डर्टी कर देंगे, गंदा कर देंगे, उसमें वेस्ट फेंक देंगे, तो फिर वो यूज़ करने के लायक तो नहीं रहेगा ना। तो इसलिए हम लोग को वाटर बॉडीज़ को गंदा नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये सारे वेस्ट थे जो आपको वाटर को सेफ रखने के लिए करने चाहिए। सो चिल्ड्रेन, आप भी अपने घर में कभी भी देखना, अगर कभी भी अगर किसी से भी गलती से टैप जो है वो ऑन छूट जाता है, तो आप उसको इमिडिएटली क्लोज कर देना, ठीक है। जिससे क्या होगा, हमारा वाटर जो है सेफ रहेगा। हम लोग ज़्यादा नहीं तो थोड़ा तो हेल्प कर सकते हैं ना, और थोड़े से हेल्प से हम लोग बहुत सारा वाटर बचा सकते हैं, ठीक है। और वाटर पृथ्वी पर ऑलरेडी बहुत कम है। तो चिल्ड्रेन, आप लोगों ने देखा कि वाटर जो है हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। अब आते हैं इस चैप्टर के एक्सरसाइज सेक्शन में, है ना, देखते क्या एक्सरसाइज है। सबसे पहले तो यहाँ आपको क्या करना है, स्माइली ड्रॉ करनी है,
करेक्ट स्टेटमेंट के लिए ग्रीन से स्माइली ड्रॉ करनी है, और जो रॉन्ग स्टेटमेंट होगा उसके लिए आपको रेड से स्माइली ड्रॉ करनी है और वो सैड वाली इमोजी बना देनी है ना। और अगर जो स्टेटमेंट सही होगा तो इसको आपको स्माइली वाली इमोजी बना देनी है, ठीक है। रिवर्स आर द मेन सोर्स ऑफ वाटर, क्या रिवर्स मेन सोर्स होते हैं वाटर का? नहीं, रेन है ना मेन सोर्स, तो ये क्या है, दिस इज़ रॉन्ग। तो यहाँ पर हम लोग को सैड इमोजी बना देनी है और रेड कलर से बना देना, ठीक है। तो चिल्ड्रन आई थिंक दिस इज़ ईजी एंड यू कैन डू इट बाई योर सेल्फ। सो आई एम नॉट गोइंग टू टेल द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यू हैव टू मेक इट बाई योर सेल्फ इन योर कॉपी और बुक एज वेल एज, ठीक है। आपको उसके बाद क्वेश्चन टिक द करेक्ट ऑप्शन है, दिस इज़ ऑल्सो ईजी, एंड देन फिल इन द ब्लैंक्स, दिस इज़ ऑल्सो ईजी, एंड रेस्ट आर क्वेश्चन आंसर। तो ये क्वेश्चन आंसर भी बहुत ईजी है, तो आप सबसे जो हो सकेगा आप बनाना, और नहीं हो सकेगा तो फिर आई एम हेयर टू हेल्प यू ऑलवेज, ठीक है। तो आप मुझसे कभी भी कोई भी क्वेश्चन व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हो, ठीक है। चिल्ड्रेन टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।